हाय गाइस, तो स्वागत है आपका अंशु की फैशन क्लासेस में, जहां आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं शरारा और गरारा के रिगार्डिंग, कि ये दोनों एक ही होते हैं या ये अलग अलग होते हैं। अगर अलग अलग होते हैं तो इनमें क्या डिफरेंस होता है, कि जिससे हम को इजीली समझ आ जाए कि ये शरारा है या गरारा है, या हमें अपने गारमेंट के साथ, हमें अपने सूट के साथ शरारा स्टिच कराना है या गरारा स्टिच कराना है। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि शरारा और गरारा दो अलग अलग गारमेंट होते हैं। बेसिकली ये हमारा बॉटम वेयर होते हैं। सूट्स के साथ आप इनको स्टाइल कर सकते हो, चोली के साथ इनको स्टाइल कर सकते हो। बहुत डिफरेंट डिफरेंट वे हैं शरारा और गरारा को स्टाइल करने के लिए। अब आता है हमारा दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट स्टिचिंग वाइज ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है इसमें, जहाँ पे शरारा की जो हमारी स्टिचिंग होती है वो वेस्ट से हल्का सा फिट होने के बाद पूरा का पूरा नीचे तक लूज़ होता है। लूज़ में भी उसमें काफ़ी अच्छा खासा फ्लेयर होता है, जो कि उसको प्रॉपर एक लहंगे का फील देता है आफ्टर वियरिंग। वहीं हम अगर गरारा की बात करें तो गरारा हमारा नी तक फिट होता है, उसके बाद उसको हम एक फ्लेयर दिया जाता है आफ्टर नी। नी पे एक जॉइंट होता ही होता है। गरारा अगर आप स्टिच करा रहे हैं, गरारा आपको अपने गारमेंट में चाहिए, तो आपको पिक से क्लियर हो जाएगा शरारा और गरारा में कितना ज़्यादा डिफरेंस होता है। नाम काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं बस। अब हम बात करते हैं शरारा, जो शरारा होता है आप उसको सूट्स के साथ भी बनवा सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है फ्लेयर वाइज। आप इसको चोली के साथ भी इजीली कैरी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसको अपने क्रॉप टॉप के साथ भी कैरी कर सकते हैं। आजकल वैसे भी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है हमारे गरारा और शरारे, दोनों के दोनों ही। अब बात करते हैं गरारा की। सिमिलर आप गरारा को भी काफ़ी ज़्यादा मिक्स एंड मैच करके यूज़ कर सकते हैं। आप इसको चोली के साथ यूज़ कर सकते हैं, आप इसको क्रॉप टॉप के साथ यूज़ कर सकते हैं, आप इसको सूट के साथ यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों के साथ ही, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं आफ्टर वियरिंग। अभी फ़िलहाल ज़्यादा ट्रेंड में गरारा है, जो 2 साल से काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है गरारा, और वो पहनने के बाद काफ़ी अच्छा लुक भी आता है, उसका एक हैवी लुक आता है। इफ़ यू वॉन्ट टू वियर विद कॉटन, तो यू कैन ईजिली टीम अप विद कॉटन फैब्रिक या कॉटन कुर्तीज़ के साथ। ये कॉटन में भी बहुत ईजिली मिल जाता है और सिंथेटिक में भी। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और कमेंट करना ना भूलें।